अभी तक ये भी जागी है इसको तो बस टाइम हो चुका है, आप लोग देख सकते हैं कि अभी एक बजने वाला है, बजने वाला है हाँ। और अभी तक पैकिंग सब भाषा बोल रहे हैं आप? और भाषा बोल रहे हैं? कौन लैंग्वेज है ये? कहाँ से लैंग्वेज, कौन सी लैंग्वेज है, कौन लैंग्वेज वैसे बतिया रहे हैं आप? आप सबका फिर से एक बार स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। तो गाइस आज का ब्लॉग थोड़ा लेट इसलिए आया है क्योंकि मैं थोड़ा सो गया था, क्योंकि कल जो है ना आते वक्त थोड़ा सा झगड़ा हो गया था, तो वो आप लोग को वीडियो में तो देखने को मिल जाएगा। पर यहाँ से हो चुका है विदाई, यानी कि भाभी अभी चली गई हैं, और कहाँ गई हैं कैसे गई हैं वो तो आपको पता चल जाएगा। भाभी और भैया दोनों लोग को मैं ड्रॉप करके जब आ रहा था तो थोड़ा बहस हो गया था, तो मैं आ गया वापस घर, और घर जैसे ही आया उसके बाद से मैं थोड़ा रेस्ट सो गया था। तो आप लोगों को इस वीडियो में देखने को मिलेगा कि कल का जो दिन था ना वो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। कल लगभग 1:30 बजे तक जो है वो रंजना को हम आए तो देखिए अचानक से, तो हमको लगा सो गई होगी क्योंकि मुझे जाना था तो मैं जगा था। तो फिर यहाँ आने के बाद ऐसा नहीं था, वो क्या किया कि वो क्या कर रही थी कि जितना भी कपड़ा था जो भी पैकिंग के लिए था, शायद भाभी का उतना तबीयत सही नहीं लग रहा था, इस वजह से सारा जो है वो आयरन की रात में, मतलब लगभग 1 बजे तक। उसके बाद से धीरे धीरे जो है वो आपको देखने को मिल जाएगा वीडियो में, और आप लोग इतना ज़्यादा प्यार दे रहे हैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं, और इस वीडियो में आप लोग खूब सारा प्यार दीजिएगा, और जो भी जिसको भी कमेंट नहीं करने का मन है, अगर थोड़ा भी वीडियो अच्छा लगता है तो रेड हार्ट देना मत भूलिएगा, और पूरा दम लगा दीजिए क्योंकि नेक्स्ट ब्लॉग बहुत ज़्यादा खतरनाक आने वाला है कुछ जवाब के ऊपर। तो अभी पूरा आयरन जो था जितना आयरन हो पाया वो रंजना अभी कर दी, सारा ही की मानिए। और यहाँ पे 1 बजने वाला है, अभी यहाँ पे ये पता नहीं क्या कर रही है, अपना सामान निकाल रही है इस अटैची में से, और ये अटैची फिर बंद करके यहाँ खड़ा हो जाएगा। बिल्कुल सही है, सोती है 2 बजे सोगी तो उठोगी कब, और 2 बजे तभी ट्रेन है, तुम अपना सो सोएंगे। तो गाइस अभी यहाँ पे 12:05 हो रहा है, और यहाँ पे दीदी है, और ये दीदी आपको कैसा लग रहा है, जा रही है आपको कैसा लग रहा है? अच्छा तो नहीं लग रहा, लेकिन जाना पड़ेगा क्योंकि काम है ना जो आपको। चली जाएंगे हम, बहुत अकेले मतलब कि रहेंगे, आप साथ में रहती है तो अच्छा लगता है। तो कितने दिन के लिए जा रहे हैं? हम तो भूल ही गए हैं कि हमको जाना भी है, पैकिंग अभी कर रहे हैं, हमको लग रहा है ना हम आज दोपहर से ही पैकिंग कर रहे हैं, पैकिंग से ज़्यादा ना सामान मेरा इतना इधर उधर हुआ है, सबको एडजस्ट कर रहे थे कौन सी चीज़ कहाँ रख के जाना, अच्छे से ताकि आने के बाद फिर से जो चीज़ यहाँ रखे वहीं पर मिल जाए। तभी अभी मिस्ट्रा से कपड़ा था तो हम बोले कि चलो आया, हाँ ये हमको नहीं बोल रही थी, लेकिन हम बोले कि दीदी आप पैकिंग कर लीजिए और फिर हम कर दे रहे हैं, क्योंकि ज़्यादा तो है नहीं कपड़ा, और हम लोग एक गर्ल्स है तो गर्ल्स का प्रॉब्लम समझते हैं, ये भी हमको बोलती हैं कि रंजना जाओ, अभी बोल रही थी कि तुम आराम कर लो, तुम्हारा तबीयत सही नहीं लग रहा है, सुबह मिलना है इसका भी ओवरथिंकिंग कुछ ज़्यादा ही, तो हम बोली कोई बात नहीं दीदी, कोई बात नहीं आप इससे वो कर लीजिए। दूध बना रही थी तो बोले कि हॉर्लिक्स, अरे दीदी हॉर्लिक्स दिख ही नहीं रहा है हमको, अब मेरे सामने ही है हॉर्लिक्स। तीसरा खाना में जब किचन से आ रहा था तो उसमें था, तो उस टाइम हम देख रहे थे, फिर बोले तो दूसरा खानदान में देख रही थी, फिर मेरी दीदी को समझ में नहीं आया, जब इंसान कुछ और सोचता है कुछ और करता है ना, कभी कभी मेरे साथ क्या होता है ना, सामने ही रहता लेकिन हमको दिखाई नहीं देता है, ये तो होता है। हाँ ऐसा मतलब कि कभी कभी हो जाता है, लेकिन खैर अब दीदी हमको लग रहा है ना, अभी से ही हमको ये लग रहा है कि चली जाएंगे तो फिर हम मतलब कि अच्छा नहीं लग रहा हमको, थोड़ा सा भी नहीं अच्छा, हम बोल भी रहे कि दीदी आप जल्दी आइएगा वापस, और ये हम और ये जा रही है लेकिन तो बोल रही है कि रंजना तुम भी चलो साथ में, बाबू को बोलो
चलने को, तो हम बोल रहे अभी हम लोग का प्लान भी था साथ में जाने का, तो अब बाबू बोले कि नहीं जाएंगे, तो हम लोग कल जा रहे हैं कुछ टाइम के लिए, उसके बाद से आगे अपना जो भी काम है बहुत इम्पोर्टेंट काम है उसको करना ज़रूरी है, फिर बहुत जगह जाना है, वो सारी चीज़ें आप लोग को उस टाइम देखने को मिलेगा, अभी हम कुछ शेयर नहीं किए। एंड बहुत अच्छा भी लगेगा और बाकी घूम के फिर आएंगे हम यहीं। आप जा रही है तो आपको कैसा फील हो रहा है? हमको तो जाने का मन नहीं कर रहा है, तो दिन में भी बोले थे कि अगर जाने का एक मन होता ना तो इंसान जल्दी जल्दी पैकिंग करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, क्योंकि ऑलरेडी जो सामान है वो सारा यहाँ पे, ऐसा नहीं है कि पूरा सामान सब यहीं है, सब ट्रॉली में ही है, बस ट्रॉली में से ट्रॉली का निकाल के इधर उधर रखना है, शिफ्ट करना है, चलते हैं और जल्दी से दीदी सामान पैकिंग कर लेंगी और हम भी इधर जल्दी से कर देते हैं। बाकी अब कल से हम लोग बिछड़ने वाले हैं। आज ही आज ही ढाई बजे। अच्छा ढाई बजे हम बोले कि चलो तुम्हारा मन नहीं लग रहा होगा तो आ जाना वहाँ से, मतलब जहाँ हमको ये हमको जब कहीं जाती है तो ये हमको बोलती है कि रंजना साथ में तुम भी चलो, सबको लगता है कि बाबू को भी बोलना नहीं, लेकिन बाबू को भी बोलते हैं कि, लेकिन ऐसा नहीं है, ये हमको कहीं भी जाती है हमको बोलती है, बाबू को भी बोलते हैं कि चलो रंजना, तो अभी दीदी का पूजा भी है तो अपना फैमिली जाता ना तो ज़्यादा अच्छा है। हाँ बहुत जल्द पूजा होने वाला है तो वहाँ अब देखते हैं कब होगा कब नहीं, तो आप लोग को पता चलेगा ब्लॉग में देखिएगा। तो अभी दीदी को जाने देते हैं, ये पैकिंग करती है और फिर हम भी जल्दी से ये करते कपड़ा, क्योंकि इसको भी सुबह में उठना होगा। देखिए कितना टाइम हो रहा है, 12:10 हो गया। हाँ तो दी आप जाइए कर लीजिए, हम कर लेते हैं। तो वैसे टाइम हो चुका है, आप लोग देख सकते हैं कि अभी 1 बजने वाला है हाँ, और अभी तक पैकिंग चल रहा है और 2 बजे ट्रेन है। तो यहाँ पे है कपड़ा, मैं बोली दीदी कि आप जाइए कर लीजिए, यहाँ रखा हुआ है, तो अब जल्दी से चलते कर देते कपड़ा, आयरन करके दे देते हैं, फिर उसके बाद सोएंगे। और टाइम देखिए कितना टाइम हो रहा है, 12:10। तो बस वैसे 2 जन हम लोग रहते हैं तो कर लेते हैं तो सही रहता है, और हम लोग समझते कि नहीं भाई चलो है तो है, वो भी हमको बोल देती है दीदी कि रंजना तुम ये कर लो मैं तुम्हारा ये कर दे रही हूँ, तो हम बोलते ठीक है दी। तो ऐसे बस हम लोग भी गाइस, आप लोग को लगता होगा कि बॉन्डिंग नहीं अच्छा, हम लोग का बॉन्डिंग बहुत अच्छा है, बस हम यही सोचते हैं कि किसी की नज़र ना लगे और हम लोग हमेशा साथ में ऐसे रहें बातें करें। तो अभी बात नहीं करते, पहले जल्दी से कर देते हैं कपड़ा, यहाँ पर आयरन भी मैं लगा चुकी हूँ। तो यहाँ पे रंजना जगी हुई है, अभी तक ये भी जगी है, इसको सुबह सफाई के तुम रखना नहीं। तो गाइस अभी जो है आप लोगों को मैं बता दूं कि हमारा सीमान स्टेशन आ चुके हैं हम लोग, और यहाँ पे देख सकते हैं लोग कैसे सोए हैं सब लोग। तो ये जो जिंदगी है ना, कुछ भी हो सकता है, तो ये सब लोग इंतजार कर रहे हैं, इधर भी बहुत लोग बैठे हुए हैं और यहाँ भैया और भाभी जा रहे हैं। कौन सा वो इसमें जो लगा हुआ ये हाँ खींचो, सब खुल गया। तो यहाँ पे भाभी जा रही है, लाइट ऑफ हो गया ना? कौन सा लाइट? उसका स्विच में से पार्किंग करके तो स्विच दबाओगे, स्विच का लाइट ऑफ होगा। डाल देना कल वो चैनल पे। ठीक है, क्या हुआ बदली है? हम लोग आप पहले ही बता दे रहे हैं, प्रेस के लोग हैं। आई ड्रॉप हुआ है अभी, जा रहा है 2 मिनट के अंदर, तो आप नहीं ले सकते हैं चार्ज। अच्छा दिखा हुआ है उसको, तो दिखा दीजिए भाई कौन चीज है। बतिया है ब्रो, बतिया दो है ना डाल, 2 मिनट के लिए का जाए दिन के होय नु, तो बतिया ही हो। कौन भाषा बोल रहे हैं? कौन भाषा बोल रहे हैं? फौजी हमार उकरे से बात, फौजी फौजी नहीं बोल रहे हैं, कौन सा भाषा बोल रहे हैं आप? कौन भाषा बोल रहे हैं? कौन लैंग्वेज है ये? हम कह रहे हैं जी
कौन लैंग्वेज वैसे बतिया रहे हैं आप? जो ठेकेदार है, ठेकेदार है चाहे ठेकेदार है, कौन लैंग्वेज कौन हिंदी बोली आप? मजा आया कौन सा लैंग्वेज बात कर रहे हैं आप? हम लोग इस तरीके से बात कर रहे हैं धमका, आपसे हिंदी धमका रहे हैं तो फौजी हो ना दिन में बत ही ना ना करे से बत हम नहीं पकास कर रहे क्या होता लो 20 रुपए खातिर हो ऐसा बोल पूरा काम डाल लो तो बोले 2 मिनट हुआ नहीं अभी रुपए पूछे के चाहिए जब गाड़ी जाता तो रोके के चाहिए गाड़ी के गड़िया को लिया तो हमरो नहीं ना जा सूते थे आप सब रिकॉर्ड है ठीक है सब रिकॉर्डिंग है गड़िया में आगे पीछे साहब की गाड़ी हो जाइए जाइए अब आए ना लाइन पे सब रिकॉर्डिंग हो रहा है देखिए जो सुनी पड़ता एको आदमी के देख ले हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन वेलकम बैक टू आवर चैनल आप सबको फिर से एक बार स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे तो अभी सुबह का टाइम है और मैं नहा कर रेडी हो चुकी और आज मैं ये वाला कुर्ती पहन रही हूँ क्योंकि आज है सैटरडे तो हमारे यहाँ सैटरडे को सभी लोग ब्लैक ब्लैक पहनते हैं तो मैं भी पहन ली हूँ और अभी मैं चाय वगैरह भी सब पी ली हूँ और उसके बाद अब मैं चल रही हूँ थोड़ा सा रूम को थोड़ा अरेंज करने क्योंकि पता है अभी रूम में इतना ज़्यादा डस्ट पड़ जा रहा है ना कि डेली साफ़ करो फिर भी डेली डेली डस्ट रह जा रहा है तो बस यही है तो चलिए हम अपने रूम का कंडीशन दिखाते हैं कि कैसे हुआ है और ये वाला कमेंट में बताइए कि ब्लैक कलर मेरे पे कैसा लग रहा है और ये कुर्ती मेरा कैसा लग रहा है तो चलिए दिखाते हैं